नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com की स्पेशल स्टोरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस बार बागी नेताओं की समस्या दोनों दलों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला था। राज्य में सत्ता परिवर्तन का लंबा इतिहास रहा है। भाजपा सरकार रिपीट करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार बनने की उम्मीद है। अगर बात करें सर्वे की तो भाजपा को एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते दिखाया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि बागी नेता भाजपा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसका लाभ उठाकर कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। पहाड़ी राज्य के कुल 68 विधानसभा सीटों में से भाजपा के 21 बागी नेताओं ने नामांकन पत्र भरा है। इन नेताओं में मुख्य रूप से कृपाल परमार हैं, जिन्हें कभी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का करीबी माना जाता था। कृपाल इस बार कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। वह आरोप लगाते हैं कि उन्हें टिकट न मिलने के पीछे नड्डा का हाथ रहा है। उन्हें चुनाव न लड़ने और मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन भी किया था, लेकिन परमार नहीं माने। फतेहपुर सीट से भाजपा ने परमार की जगह राकेश पठानिया को चुनावी रण में उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से भवानी सिंह पठानिया मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भाजपा ने बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की थी। ऐसे में बागी नेता पार्टी की जीत की राह में रोड़ा बन सकते हैं। भाजपा ही नहीं, विपक्षी कांग्रेस भी बागी नेताओं की चुनौतियों से जूझ रही है। सुलहा सीट से पूर्व विधायक जगजीवन पाल इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि पाल दो बार विधायक रह चुके हैं। वह कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सपहिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक विपिन सिंह परमार ने 2017 के चुनाव में जगजीवन पाल को मात दी थी। भाजपा ने एक बार फिर परमार को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिले बिलासपुर में भी पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी त्रिलोक जाम्बाल के खिलाफ सुभाष शर्मा लड़ रहे हैं। बिलासपुर सीट से कांग्रेस भी तिलक राज की बगावत का सामना कर रही है। बता दें कि जिला की जंदुता सीट से बीरू राम किशोर भी कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। जिस तरीके से हिमाचल में भाजपा कांग्रेस के पुराने नेता बगावत पर उतर आए हैं, इससे कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को पनपने में मदद मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।